सीएम पद की रेस में पिछड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया, बदलाव हुआ तो भी नहीं मिलेगी कुर्सी। सिंधिया समर्थकों में दिखाई दे रही है मायूसी, टिकट भी मिलना दिख रहा है मुश्किल। बीजेपी में सिंधिया को नहीं मिल रहा है सम्मान, कांग्रेस घेरने में जुटी। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, स्टार प्रचारक बनाए गए थे। सिंधिया के समर्थक उन्हें सीएम इन वेटिंग बता रहे थे। बीजेपी भी विपक्ष के नेता के रूप में सिंधिया को सामने रखकर ही अपना प्रचार कर रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का स्लोगन ही था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। लेकिन जनता ने माफी शिवराज से मांग ली और नेता महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुन लिया। लेकिन फिर भी सिंधिया सीएम नहीं बन पाए थे, क्योंकि सिंधिया को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर सिंधिया का रास्ता रोक दिया, कमलनाथ सीएम बन गए। दरअसल कहा जाता है कि 2018 में कांग्रेस को जो 114 सीट मिली थी, जो विधायक चुनकर आए थे, उसमें से 45 दिग्विजय सिंह के समर्थक थे, जबकि कमलनाथ समर्थकों की संख्या 20 के करीब थी। सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या में 25 से 30 के आसपास थी, बाकी विधायक अलग अलग गुटों में थे, तो खुद सीधे हाईकमान के पसंद थे। विधायक सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह के पास थे और उनके समर्थन से कमलनाथ सिंधिया पर बहुत भारी पड़ गए थे। सीएम पद की रेस में इस पर भी चर्चा हुई थी कि विधायकों की राय शुमारी करा ली जाए, और यहीं सिंधिया कमजोर पड़ गए और अपनी दावेदारी से पीछे हट गए थे। कमलनाथ सीएम बन गए, लेकिन बाद में कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। हाईकमान ने भी इसे दूर करने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद सिंधिया ने बगावत कर दी। सिंधिया समर्थकों को उम्मीद थी कि बीजेपी उनके नेता को सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी में भी सिंधिया सीएम नहीं बन पाए। हाँ, मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री जरूर बना दिया गया। सिंधिया के पास इस समय दो दो भारी भरकम मंत्रालय भी हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर वो पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि एमपी में इस बार भी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। और सिंधिया भी इसे स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बना रही है, और अब सिंधिया भी ये बात कहने लगे हैं कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। वो पहले भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और ना ही अब बनना चाहते हैं। इस दौरान सिंधिया ने यह भी साफ कर दिया कि उनके मन में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। दरअसल दावा किया जाता है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे दिग्विजय और कमलनाथ ही सबसे बड़ा कारण थे, जो सिंधिया के रास्ते की दीवार बन गए थे और सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जिस समय प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस समय भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों के बयान इस ओर इशारा करते थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ तक कि सिंधिया की बगावत के एक महीने पहले तो सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों के बयान बेहद तीखे हो गए थे, लेकिन समय रहते कांग्रेस हाईकमान इसे पहचान नहीं पाया और जब तक पार्टी संभलती बाजी हाथ से निकल चुकी थी। दूसरी ओर सिंधिया ने एक बार फिर दावा किया है कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी को बहुमत मिलने पर राज्य की कमान एक बार फिर से मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगी। सिंधिया ने आगे कहा कि बीजेपी ने पिछले 18 साल में एमपी में शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश में ना तो सड़कें थी और ना ही लाइट थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद राज्य के लोगों के लिए सड़कों का जाल फैलाया और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। सिंधिया ने साफ कर दिया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है, चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। चुनाव में जीत मिलेगी तो शिवराज ही सीएम बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज़।